आखिर आज वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था और जिला पंचायत खीरी को भी अपने नए अध्यक्ष का बेसब्री से इंतजार था। अपना गेट खोले जिला पंचायत अपने नए अध्यक्ष को चूना डालकर रास्ते को भी इंगित कर रही है। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश की ताजपोशी के लिए कुर्सी तैयार है। 44वें जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में ओम प्रकाश आज शपथ के बाद अपना पदभार संभालेंगे। अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार देख रहे प्रशासक जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद चौरसिया नवनिर्वाचित अध्यक्ष को आज शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वह कुर्सी पर पदासीन होंगे तो नेम प्लेट भी बदल जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित किया गया है। केसरिया रंग से रंगे इस पंडाल में अभी शपथ ग्रहण शुरू होने में कुछ देर है, तब तक सुरक्षा बल अपना अपना स्थान लेने लगे। संपन्न पंचायत चुनावों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालों में घिरी पुलिस ने आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। और धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया। गेट पर सुरक्षा बल मौजूद और चाक चौबंद हैं। आने वाले लोगों को आज मेटल डिटेक्टर की दोहरी जांच से गुजरना पड़ा। कोविड प्रोटोकॉल भी यहां पर पालन किया गया। आने वाले लोगों के हाथ सैनिटाइज किए गए तो सभी का टेम्परेचर भी जांचा गया। और शपथ ग्रहण की घड़ियां भी आ ही गई। जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद चौरसिया ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश को शपथ दिलाई। इस मौके पर आए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने भी संबोधित किया। लाइट पहुंचाने का काम, खंबा पहुंचाने का काम, प्रकाश पहुंचाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासन में और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पहुंचा है, यह आज हम करके दिखा पाए। अंधकार कायम था। देश की आजादी के 50-60 साल 70 साल बीत जाते हैं, गांव गांव तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तब लगता है कि निश्चित तौर पर अंधेरा ही कायम हो गया है। ऐसे में उजाले की किरण बन करके देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी निकल करके आए। जब पहली बार सदन के अंदर वो अपने संसद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे, विधायक मंच पर आसीन आलरेडी बाबू जी, माननीय दिनेश तिवारी जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, जिला सहकारी बैंक की माननीय अध्यक्ष जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की माननीय अध्यक्ष जी, अधिकारी जिला पंचायत अशोक कुमार सिंह ने आए हुए सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। आप सब
जिला पंचायत के इस कार्यक्रम में सहभाग किया और मार्गदर्शन दिया, जिसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। और आपने अपना इस बहुमूल्य समय जो दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश अपने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे तो वहां पर कर्मचारियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। सबसे ज्यादा इनका पहचान लिया, इनका जरूर पहचान लिया। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश ने अपनी कुर्सी संभाली तो इसी के साथ उन्होंने काम काज भी शुरू कर दिया। पद व गोपनीयता की शपथ के साथ विकास की भी शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष ओम प्रकाश का विकास को लेकर कार्यकाल कैसा होगा, यह तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। संजीव पाहवा, mylakhimpurkhiri.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल माई लखीमपुर को एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट वीडियोस।